हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रूफ ऑफ कॉशी इंटीग्रल टेस्ट स्टेटमेंट. व्हाट वी हैव गिवन, एफ इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन. प्लस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्लस इंटीग्रेबल फंक्शन. दैट इज विद कंडीशन एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन. देन डिफाइंड nth टर्म इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन for all n belongs to n, natural numbers. Then series an, n from 1 to infinity, and sequence in converse or diverse together. That is our statement, where in is integration of function f of x 1 to n dx. Okay, means to say, if function fx is monotonic decreasing plus non-negative plus integrable, and we are capable to find nth term, then for behavior of series, we have to conclude sequence in. In is integration 1 to n f of x dx. That is our statement. For proof, we have to consider a x. Which x? ठीक, x जो है वो n से बड़ा हो और n प्लस 1 से छोटा या बराबर हो. ठीक है, और n हमें पता था कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है. नेचुरल नंबर मतलब मेरा n कैसा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, बीच में कहीं n भी आएगा, n प्लस 1 भी आएगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो मैंने एक ऐसा x कंसीडर किया दैट इज लाइज बिटवीन एंड n प्लस 1. एज गिवन function is monotonic decreasing, means to say that functional value at n plus 1 is less than functional value at x is less than functional value at n. कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो बड़े पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू मेरी छोटी हो जाती है. डिक्रीजिंग का मतलब यही होता है ना, अगर छोटे पॉइंट पे वैल्यू छोटी, बड़े पॉइंट पे वैल्यू बड़ी, तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. अगर बड़े पॉइंट में मेरी वैल्यू छोटी हो जाती है और छोटे पॉइंट पे वैल्यू मेरी बड़ी रहती है, तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग. ठीक है, ऐसे कुछ नेचर रहेगा. तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो कहने का मतलब क्या है, एन पहले एन छोटा है फिर एन प्लस वन ना, तो फंक्शनल वैल्यू जो एन प्लस वन पे होगी वो स्मॉल होगी. ठीक है, किस से, एफ एक्स वैल्यू से, एक्स की फंक्शनल वैल्यू से. ठीक है, ऐसे ही एक्स मेरा एन से ग्रेटर है तो एक्स पे जो फंक्शनल वैल्यू वो लेस होगी, किस से, जो एन पे फंक्शनल वैल्यू होगी. ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन होगा. अब f of n डिफाइन किया था कैसे, nth टर्म में, तो f of n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1th टर्म. दैट इज लेस देन इक्वल्स टू f of x, दैट इज ऑल्सो लेस देन f of n मीन्स nth टर्म. ठीक, तो अब हम इस एज फंक्शन गिवन क्या है, इंटीग्रेबल. इंटीग्रेबल फंक्शन गिवन है तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 1 टू हम x कहाँ से लेके चल रहे हैं, n से n प्लस 1. ठीक है, ये देख के मत कर देना ये सीक्वेंस 1 टू n था. ठीक है, तो ये आपके पास हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया.
ओके अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, एन प्लस वन बाहर, अंदर वन है, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स लिमिट फ्रॉम एन टू एन प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम एन टू एन प्लस वन दैट इज लेस देन ए एन इंटू एक्स, ए एन एनथ टर्म कॉन्स्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है तो एन प्लस वन, देन पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, देन वी हैव लेफ्ट विद एन प्लस वन माइनस एन, कैंसल आउट एन, वी हैव ओनली एन प्लस वन एथ टर्म दैट इज लेस देन इक्वल्स टू एन प्लस वन फंक्शन एट एक्स लेस देन एन एथ टर्म, ये आ गया, ठीक है, देन स्टार्ट पुटिंग एन वन टू अप टू एन माइनस वन, इफ वी पुट एन इज इक्वल्स टू वन देन ए टू लेस देन वन टू टू एफ एक्स डी एक्स लेस देन ए वन, सेम सिमिलरली पुट एन इक्वल्स टू टू ए थ्री लेस देन टू टू थ्री एफ एक्स डी एक्स लेस देन ए टू एंड सो ऑन, चलता जाएगा, कहाँ तक पुट करना है एन माइनस वन, जब एन माइनस वन पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास एनथ टर्म आएगी, क्योंकि वन पुट किया था एक ज़्यादा आई, टू पुट किया एक ज़्यादा आई, तो एन माइनस वन करेंगे तो उससे ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ आएगा एन माइनस वन से एन एफ एक्स डी एक्स, सेम हेयर वन टू एन, वन पुट कर रहे थे वन टू टू, टू पुट किया टू टू थ्री, एन माइनस वन पुट किया तो एन माइनस वन टू एन, ठीक है, दैट इज लेस देन ए एन माइनस वन, ओके, अब इन सारी इक्वालिटीज को प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय एडिंग दीज इन इक्वालिटीज वी गेट ए टू ए थ्री प्लस ए फोर अप टू ए एन लेस देन, ये इसमें प्लस होगा, ये नेक्स्ट में प्लस होगा, क्या हो रहा है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ऐसे हो रहा है, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन से लेके आपका एन तक, ठीक है, ये सारे इंटीग्रेशन ऐड होंगे तो एफ एक्स डी एक्स दैट इज लेस देन ए वन प्लस ए टू प्लस सोन कहाँ तक, एन माइनस वन तक, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ दीज इनक्वालिटीज, नाउ we know that sn is equals to sum of nth terms of sequence an, from this we get the value of a2 a3 up to an, means sn minus a1 is equals to the value of a2 a3 up to nth, and also we get the value of this अप टू एन माइनस वन तक, ए वन ए टू अप टू ए एन माइनस वन, जो लास्ट टर्म है वो हम कहाँ चली जाएगी, एस एन माइनस ए एन, ओके, पुट दीज बोथ वैल्यूज इन दिस, देन व्हाट वी हैव, एस एन माइनस ए वन दैट इज लेस देन इक्वल्स टू from 1 to n fx dx also less than sn minus an, got it, now we know that value of integration 1 to n fx dx is in as given in the statement,
then this expression is equals to the Sn minus A1 less than In less than Sn minus An. In हमें given था statement में. Okay. अब case first. हमने सीरीज का बिहेवियर देखना है, सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखनी है, तो हमें सीक्वेंस के पास जाना है. तो अब हमें इस सीक्वेंस आई एन का नेचर पता होना चाहिए. अगर ये कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो मेरी सीरीज भी डाइवर्जेंट. तो केस फर्स्ट लिया कि जो मेरी सीक्वेंस है आई एन वो क्या है, कन्वर्जेंट है. कन्वर्जेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, लिमिट आएगी आई एन की फाइनाइट नंबर. फाइनाइट नंबर जिसको मान रखा है आपकी बुक में आई, ठीक है. तो हमारे पास अगर मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एक फाइनाइट नंबर होगा, दैट इज आई. देन यहाँ से हमारे पास क्या आया, एस एन माइनस ए वन लेस देन इक्वल्स टू आई एन, ठीक है. अब अगर हम इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने से पहले एस एन निकाल लिया हमने प्लस का ए वन, ठीक है. लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आई एन प्लस ए वन, या ठीक है. तो nth पार्शियल सम की लिमिट हमारी किससे छोटी होगी, आई एन की लिमिट सम है ना, तो लिमिट इस पे भी अप्लाई हो जाएगी और इस पे भी. तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है, आई प्लस ए वन. तो यहाँ से हमें जो एस एन हमने सीक्वेंस ली थी, एस एन हमारा nth टर्म का सम था ना, तो वो क्या हो गई, बाउंडेड अबव, ठीक है. एंड ऑल्सो एस एन क्या है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. वी नो दैट सीक्वेंस एस एन बाउंडेड अबव प्लस इंक्रीजिंग तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट, ठीक है. ये रिजल्ट था ना हमारे पास. तो हमारे पास सीक्वेंस एस एन क्या आ गई, इज कन्वर्जेंट, ठीक है, सीक्वेंस. देन हमारी सीरीज का बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, वन टू एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है. एस एन हम nth सम nth n टर्म्स का सम लेके चले थे, ठीक. ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड केस. सेकंड केस में आई एन क्या होगा, डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब फाइनाइट होगी, ठीक है. और यहां से हमारे पास इस इनक्वालिटी को उठा लो, आई एन लेस देन एस एन माइनस, ये पहले हमने क्या लिया था, एस एन माइनस ए एन, एंड ए एन क्या था, एफ ऑफ एन. और एफ ऑफ एन फंक्शन था वो कैसा था, नॉन नेगेटिव. तो यहाँ से मेरा ए एन भी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. मीन्स टू से आई एन लेस देन एस एन, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है. तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, आई एन की लेस देन इक्वल्स टू आई एस एन. अब हमें एस एन की लिमिट चाहिए, तो एस एन की लिमिट, तो यहां से मेरा एस एन क्या आ गया, ग्रेटर आ गया आई एन से. इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ए एन है माइनस किया, इनक्वालिटी चेंज, एस एन ऐड कर दिया बोथ साइड, ठीक है. तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या था, आई एन लेस देन एस एन माइनस ए एन, दैट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू एस एन,
तो आई एन का रिलेशन क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू एस एन, ठीक है। तो मेरे पास अब लिमिट लगा दो एस एन पे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आई एन। तो यहाँ से मेरी एस एन की लिमिट क्या आई, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से व्हाट वी गेट, एस एन इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड अबव, क्योंकि इन्फिनिटी से भी बड़ा और है, नॉट बाउंडेड अबव, बट एस एन क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बट बाउंडेड अबव नहीं है। तो मेरी सीक्वेंस एस एन क्या हो गई, डाइवर्जेंट, ठीक है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गई। तो हम क्या कहेंगे, सीरीज ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये हमारा कॉशी इंटीग्रल टेस्ट था, ठीक है, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए थे, प्रूफ बहुत इजी है। ऐसे ही हमारा कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का प्रूफ है, ठीक है, उसमें भी यही कंसेप्ट यूज होगा बाउंडेड अबव का। वहां पे बस फर्क इतना है कि एक तो हमें सीरीज का बिहेवियर देखना है, उसके लिए आपको किसके पास जाना था, टू की पावर एन ए 2n, ठीक है, इसका बिहेवियर देखना है। यहाँ पे इस प्रूफ में हमने सारा काम in पे किया, और इस प्रूफ में आपने काम किस पे करना है, इस सीरीज पे, ठीक है, इस सीरीज की nth टर्म की एक सीक्वेंस बनाओगे, ठीक है, वो क्या होती है, a2 n टर्म्स का सम, ठीक है। तो इसकी आप जब बनाओगे तो उसको नाम दे रखा है आपकी बुक में ये, ठीक है, कैसे बनेगी, एन फर्स्ट टर्म एन को वन पुट किया है तो ए टू ये बन जाएगी, टू की पावर टू ए टू, ठीक है, अप टू कहाँ तक, टू की पावर एन ए टू एन, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका एस एन चेंज हो गया, इसमें जो एस एन था वो आपका सिंपल था एन टर्म्स का सम, इसमें जो एस एन है वो इस पे बेस्ड है, इस सीरीज पे बेस्ड, ठीक है, एस एन इसी फॉर्म का होगा। अब आपने सारा काम इस पे करना है, ठीक है, वही केस फर्स्ट बनाओगे, केस फर्स्ट में इस सीरीज को, वहां हम आई एन को कन्वर्जेंट लेके चले थे, यहां आप इस सीरीज को कन्वर्जेंट लेके चलोगे, जहां से हमें क्या मिलेगा कि आपका ये भी क्या होगा, एन एन टर्म्स का सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट प्लस बाउंडेड अबव भी होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट है, ठीक है, अबव है तो उसको एक एलिमेंट लिया हुआ है यू, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, बाउंडेड अबव है तो लेस देन इक्वल्स टू यू आ जाएगा, ठीक है, ये लेके चलोगे। फिर एस एन का बिहेवियर देखना है, वहां पे भी हम आई एन लेके चले थे और एस एन का बिहेवियर चेक कर रहे थे, यहां भी सेम काम करना है। तो एस एन क्या था आपका, ए वन ए टू अप टू ए एन, ठीक है, वहां पे आप एन एनथ टर्म को पुट करना शुरू करोगे, टू की पावर के प्लस वन, ठीक है, फिर कंबाइन करोगे, कंबाइन करते हुए लास्ट में जाके यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि ए टू की वैल्यू आपको पता होगी, ए फोर की वैल्यू पता होगी, आगे नेक्स्ट आएगा टू की पावर थ्री एट, ए एट की वैल्यू पता होगी, तो वो सारा सम आपने टर्म्स कलेक्ट करके पेयर्स बना के ए वन छोड़ दोगे, ए टू प्लस ए टू, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करोगे, फिर ए फोर प्लस ए फोर प्लस ए फोर प्लस ए फोर, ऐसे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही चलेगा, इस सीरीज को लेके चलोगे, ठीक है, और एस एन का बिहेवियर आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो ट्राई करना इस प्रूफ को, वही दो केस बनाने हैं, केस वन के लिए कन्वर्जेंट लेके चलोगे, केस टू में इसी को ही आप डाइवर्जेंट लेके चलोगे, डाइवर्जेंट लेके चलोगे तो आपके पास अनबाउंडेड अबव रहेगा, अनबाउंडेड अबव रहेगा तो एस टू की पावर एनथ टर्म निकालोगे, ठीक है, मीन्स आपको एस एन का बिहेवियर देखना होगा, ठीक। ट्राई करना इस प्रूफ को, अगर कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर फोर्थ, असाइनमेंट दी है चैप्टर थर्ड और हाफ चैप्टर फोर्थ, ठीक है। तो असाइनमेंट आप सब लोगों ने गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है,
ठीक है, विद रोल नंबर क्लास सेक्शन नेम, ठीक है, विदाउट नेम क्लास रोल नंबर सेक्शन आपको रोल नंबर के अलावा आपको अपलोड नहीं करने, ओके okay? और कंप्लीट असाइनमेंट होनी चाहिए, चेक भी होगी, ठीक है, और जो हार्ड कॉपी आप आपने बनाई है वो आपने अपने पास संभाल के रखनी है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आप पीडीएफ बना के अपलोड करोगे और जो हार्ड कॉपी है वो आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होगी जब कॉलेज ओपन हो जाएंगे, ओके okay?